हे hey फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेमेडी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, सुपर ड्राई है, तो ये रेमेडी आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोई कर देगी। अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है, सभी जगह स्टार्ट हो चुका है, तो ये रेमेडी आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा ग्लो लेके आएगी, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा शाइनिंग लेके आएगी। एंड साथ ही हम बात करें तो अगर आपकी स्किन या आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग हो चुके हैं, झाइया की प्रॉब्लम हो गई है, रिंकल्स की प्रॉब्लम हो गई है, एंड पिगमेंटेशन जो भी है वो हो गया है, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये रेमेडी आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट रखेगी, साथ ही आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा नरिशमेंट देगी। एंड सो चलिए रेमेडी तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चम्मच बादाम रोगन ऑयल ले रही हूँ, देख सकते हैं, एक भर के चम्मच हमें बादाम रोगन ऑयल लेना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। हमें इसे कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है, इसके क्या क्या बेनिफिशियल है, वो आपको सारी बताऊंगी। मैं सारी स्टेप बाई स्टेप सारी डिटेल्स आपको देने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर वॉच करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सो नेक्स्ट, इसके अंदर जो मैं इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ वो है ग्लिसरीन, देख सकते हैं। ग्लिसरीन हमारी स्किन को फेयर बनाता है, साथ ही हमारी स्किन पर एक अच्छा सा शाइनिंग लेके आती है, जो सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा मोस्टली सभी यूज करते हैं इसे। तो हम इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन हमें कितनी क्वान्टिटी में लेना है वो आपके साथ में बता रही हूँ। तो हमें एक चम्मच, आधा चम्मच लेना है। मेरा यहाँ पर एक चम्मच डल गया है, थोड़ा ज़्यादा ग्लिसरीन हो गया है। अगर आप एक चम्मच ऑयल ले रहे हो, बादाम रोगन ऑयल ले रहे हो, तो आपको आधा चम्मच ग्लिसरीन ऐड करना है। अब मैंने यहाँ पे एक चम्मच बादाम ऑयल ले लिया है, एक चम्मच यहाँ पे मैंने ग्लिसरीन ले लिया है, तो इसके अंदर मैं एक चम्मच बादाम रोगन ऑयल फिर से ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हो, एक्स्ट्रा बन गया तो कोई बात नहीं है, आप इसे स्टोर करके रखिए। और डेली आपको नाइट में इसे अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर, फेस को अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद आपको डेली अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे से आपको पता ही है, मैंने यहाँ पर दो चम्मच बादाम रोगन ऑयल लिया है, एक चम्मच मैंने ग्लिसरीन ऐड किया है, ठीक है। एंड अब इसके अंदर जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है लेमन। लेमन जूस हमें 6 से 7 ड्रॉप हम लेंगे लेमन जूस की। तो अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। लेमन हमारे स्किन पर जितने भी दाग धब्बे हैं उनको रिड्यूस करने का काम करता है, साथ ही हमारी स्किन पर एक अच्छा सा ग्लो लेके आता है, ब्लीचिंग का काम करता है अच्छे से। एंड जो ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन भी हमारे स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं ना उनको रिड्यूस करने का काम करती है। इन तीनों इन्ग्रीडियंट को आपस में मिला लेना, ये बहुत ही अच्छा एक सीरम रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह का ये बन जाएगा। इन तीनों चीज़ों के इन्ग्रीडियंट को हम जब अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसको हमें नाइट में ज़रूर अप्लाई करना है। आप डे में भी इसे यूज कर सकते हो, बट आप नाइट में ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अपने हाथों के ऊपर लगाइएगा, अपने लिप्स के ऊपर लगाइएगा, अपने फेस के ऊपर लगाएगा। तो इसे मैं एक कंटेनर में डाल रही हूँ और इसको स्टोर करके रख लूँगी, जिसे मैं डेली नाइट में यूज करती हूँ। तो देख सकते हैं, इस तरह से आप एक किसी भी कंटेनर में डाल के इसको स्टोर करके रख सकते हैं और डेली यूज कर सकते हो, आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये रेमेडी इतनी अच्छी बनके तैयार हुई है कि हमारी स्किन पर इतना अच्छा वर्क करेगी। आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे हो रखे हैं, एक्ने पिंपल्स के निशान हो रखे हैं, पिगमेंटेशन हो रखी है, झाइया हो रखी है, एजिंग साइंस बनने लगे हैं, उम्र से पहले आपकी स्किन लूज पड़ने लगी है, तो इन सब पर ये वर्क करेगा। साथ ही अगर आपकी आइज के नीचे पफीनेस आने लगी है, डार्क सर्कल बनने लगे हैं, तब भी आप इसे यूज करिएगा। जो बादाम रोगन ऑयल है उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, डी होता है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। इसके अंदर साथ ही काफ़ी सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फैटी एसिड होता है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। एंड के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जिसके कारण हमारी बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी काफ़ी हद तक ये रोकने का काम करते। तो इसे यूज कैसे करना है, सबसे पहले हमें फेस के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इस तरह से आपको फेस के ऊपर टैपिंग करनी है। टैपिंग करने से हमारा जो ब्लड सर्कुलर है वो अच्छे से एक्टिव हो जाता है और बहुत ही अच्छे से काम करने लग जाता है। तो इस तरह से टैपिंग करने के बाद आपको नेक के ऊपर भी अच्छे से टैपिंग करनी है एंड अच्छे से फिर मसाज देनी। आपको 5 मिनट तक अच्छे से अपने फेस के ऊपर मसाज देनी है। मसाज कैसे करनी है, आप अपर डायरेक्शन में ले जाते हो, मसाज करनी है।
इस तरह से आपको मसाज करनी है जिससे आपकी स्किन और भी ज़्यादा ग्लो करेगी, आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से लिफ्टेड होएगी, टाइट होएगी एंड आपकी स्किन के ऊपर जितने भी रिंकल्स है, फाइन लाइन्स, एजिंग साइंस बनने लगे हैं वो सब धीरे धीरे कम होंगे। बादाम रोगन के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे स्किन को जो लूज होने से, एजिंग साइंस बनने से रोकने का काम करती है। तो अच्छे से हमें फेस पर मसाज करनी है। ये वाले मसाज आप जब कर सकते हो, अगर आपके आईज के नीचे पफिनेस आ गई है तो आप रिंग फिंगर की हेल्प से अच्छे से मसाज करिएगा एंड आंखों के आसपास इस तरह से आप जो आईज के आसपास जो रिंकल्स बनने लग जाते हैं उनके लिए ये वाली मसाज बहुत ही ज़्यादा बेटर होती है। तो आप 3-4 मसाज स्टेप लीजिए और उनको अच्छे से अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिए। तो आपको डेली अगर नाइट में मसाज करते हो ना, तो उसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आपको डेली ऑयल लगाना है, मसाज करना है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व आउट होगी। साथ ही आपकी स्किन इतनी अच्छी निखरेगी, ग्लो करने लग जाएगी, आपकी स्किन धीरे धीरे गोरी होने लग जाएगी। तो आप इसे यूज करें एक बार गाइज, आप एक बार इस रेमेडी को जरूर अप्लाई करिएगा और इसके रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसे आप फुल नाइट लगा के छोड़ सकते हैं, फुल नाइट यह बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन के ऊपर वर्क करेगी। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने लिप्स के ऊपर भी इसी को अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से अपने फेस के ऊपर, आप लिप्स के ऊपर भी आपको मसाज करनी है। बादाम रोगन ऑयल को हम विंटर में ही ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये हमारी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देता है, एक नरिशमेंट लाए हुए रखता है, साथ ही हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट किए रखता है। तो आप इसे गर्मियों में यूज ना करें, गर्मियों में इसकी तासीर क्या गर्म होती है तो ये आपकी स्किन के ऊपर शूट नहीं करेगा। तो आप सर्दियों में ही इसे यूज करें। तो इस तरह से हमें अच्छे से मसाज करनी, आप बच्चों के ऊपर भी इसे लगा सकते हो, बच्चों के भी स्किन के ऊपर आप मसाज करिएगा और नाइट में लगा के छोड़ दीजिएगा। आपके बच्चों की स्किन भी ड्राई नहीं होएगी और बहुत ही ग्लो करेगी। जैसे बच्चों की स्किन फटने लग जाती है, उनके फेस फटने लग जाता है, तो ऐसा नहीं होएगा। तो आप बच्चों के ऊपर भी ये रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छे से मैंने अपने फेस के ऊपर लगा लिया है, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ग्लो आना स्टार्ट हो गया है, इतनी अच्छी मेरी स्किन शाइन कर रही है, टाइट हो गई है। तो अगर आप इसी तरह से मसाज करोगे ना डेली, तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छे से टाइट हो जाएगी। तो अगर आपके फेस के ऊपर अब थोड़ा आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल लग रहा है, मेरे फेस पर थोड़ा ऑयल ज़्यादा लग रहा था, तो इसको एक टिश्यू पेपर की हेल्प से अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो अच्छे से इसको थोड़ा सा क्लीन करना, ज़्यादा आपको पूरा ऑयल नहीं निकालना है, हल्का हल्का आपको टेपिंग करके इसको थोड़ा थोड़ा सा आपको इसको निकाल लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको फुल नाइट इसको छोड़ना है। तो आप इसका जो रिजल्ट है वो तो आप अर्ली मॉर्निंग देख ही लोगे। तो एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँ अपने हाथों के ऊपर भी आप अच्छे से मसाज करेगा, फुल हाथों के ऊपर लगाएगा, जिससे आपकी स्किन हाथों की वो भी ग्लो करेगी, ड्राई नहीं होएगी और आपकी हाथों की स्किन लटकेगी नहीं जल्दी से। हम लेडीजों का क्या होता है कि विंटर के अंदर हमारी जो हाथों की स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, हम घर का काम करते हैं ना, तो आप नाइट में सारा काम कर करा के इस तरह से मसाज करेगा, आपकी हाथों की स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्लो करेगी और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होएगी। सो गाइज, ये था आज का मेरा वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो, थोड़ा बहुत भी आप लोगों को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।